तो भी। मानो चाहे ना मानो, मैं ब्लॉगर बनूंगा और कम से कम 10 मिलियन सब्सक्राइबर करूंगा। कितने दिन में? 6 महीने के अंदर मेरे हिसाब से जो है ये 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। है अच्छा। देखो भाई, ब्लॉगर तो मैं बनूंगा, कोई कितना भी मेरा मजाक उड़ा ले। जब कोई 2 दिन में बुक लिख सकता है तो क्या मैं ब्लॉगर नहीं बन सकता? मैं ब्लॉगिंग बहुत टाइम से कर रहा हूँ, उनके जैसे चूतियों को समझाया। ये ब्लॉगिंग आ गया, आ गया भाई। मैं ब्लॉगर बनूंगा क्योंकि आज भाई मैं साइंटिस्ट बनूंगा। भाई मैं साइंटिस्ट बनूंगा। और देखो गाड़ियां मेरी, अगली जो मैं चंद्रयान होगा, अगला जो चंद्रयान, मजा नहीं आ रहा है। उसमें पेचकस यही लगाएंगे। उसमें पेचकस नहीं है, उसमें फाइनल मैं क्यों खींचूंगा तो वो उड़ेगा। रबड़ बांध दिया तो इसका एंगल खींचूंगा तो चंद्रयान उड़ेगा। तो मैं आखिर में ये बोलूंगा कि चंद्रयान मैंने उड़ाया। हाँ ठीक है, चलो। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? कुछ पता नहीं था आज इनको ब्लॉगर बनना है। और आज ब्लॉगर बनना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 लाख रुपए जो है इनके पास आ चुका है यूट्यूब से। आ चुका है भाई। वीडियो डाली है 2-3 ब्लॉगिंग की जो है, जो अकाउंट माइनस में था उसमें आया है, वरना तो मैं दिखा सकता था। मैं माइनस के अकाउंट में आया है, वो सारा सेटल हो गया अकाउंट में। जो मेरा अकाउंट माइनस में था कम से 5 लाख, उसमें आया 3 लाख, तो 2 लाख अभी भी माइनस। भाई बराबर मत करो, भाई बराबर मत करो, भाई बराबर मत करो, इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा है भाई। जा रहा हूँ भाई मैं। भाई एक कह रहा हूँ भाई, आप लोग भी जैसे रात में ब्लॉगर बन सकते हैं ना, आप भी संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा और बड़े बड़े लोग आप भी बन सकते हैं। सुंदर पिचाई बन सकते हैं। ऑक्सीजन लेके आते हैं। और ये ऑक्सीजन लेने जा रहे हैं, कौन सी ऑक्सीजन है पता नहीं है इनको, लेने जा रहे हैं देने जा रहे हैं ये भी नहीं पता है। तो आपको ब्लॉगर बन के जो है 3 लाख रुपए आ गए हैं भाई। ये चूतिया इसकी बात पर भरोसा मत करना, ब्लॉगर बन के दिखाऊंगा। गाड़ी मेरी खड़ी है धूप में यार, वाइट से सिल्वर ना हो जाए, पेंट ना इसका उतर जाएगा। भाई ये गाड़ी आपने ली है? हाँ। कितने की ली थी? 9,70,000 की। 9,70,000 की। मेरे पास ही सुबह सुबह 9 बजे आया था। मेरे पास आया था 9:47 पे। मेरे से कह रहे थे सो रहे हो क्या? हमने कहा नहीं, जग रहा हूँ, सो तो रहा। मेरे पास आया था 9:47 पे, तो मैं रास्ते में था। तो मेरे से बोला कि कहाँ हूँ, तो मैंने कहा कि चौराहे पे हूँ। तुमने बताया नहीं कौन से चौराहे पे, पूछा नहीं उन्होंने? उन्होंने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, मैं अपने घर वाले चौराहे पे था। 4 ईयर्स कोर्स फॉर इंजीनियरिंग, एडमिशन होता है क्या? पता नहीं यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं आप, कब से आए हुए हैं और अब ये काम स्टार्ट हो रहा है आपका? किस टाइम काम का टाइमिंग? सही टाइम है ये 1:30 बजे, इनका सही टाइम है काम स्टार्ट करने का। ओके। और घर कितने बजे जा रहे हैं? 5 बजे। 5 बजे घर जाएंगे, बचे हैं 3-4 घंटे बचे हैं, इतने में ये काम करेंगे। भाई खाली टाइम पास नहीं करने देती थी, काम करते उतनी देर ही। 4 घंटे काम करने का आपको कितना पैसा मिल रहा है? इतना मिल जाता है कि एक पल्सर खरीद सकता हूँ हर महीने। हर महीने एक पल्सर मतलब कि जो है 1,00,000 रुपये, जो है 1.25-1.5 लाख रुपये तक की खरीद सकते हैं हर महीने। 70 की आती है। जितने की भी आती हो, तुम्हारी कम होगी, हमारी नहीं इतनी कम होगी। इतनी इतनी जितने की भी आती हो तो 1.70 की गाड़ी थोड़ी ले आएंगे, फिर यहाँ कैसे आएंगे? पेट्रोल उसका क्या? बताने का तरीका होता है सीधा, किसी को सैलरी नहीं बताई जाती है। यूट्यूबर्स को देखते नहीं हो कि एक सोनेट खरीद सकता हूँ, एक स्कॉर्पियो हर महीने खरीद सकता है, तो मैं भी ऐसे ही बताऊँगा ना। ठीक है यार, मैं भी जा रहा हूँ एक खरीदने कुछ। कैमरा ऑफ करो यार, मुझे और ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है। नो कैमरा प्लीज, नो कैमरा। तो ब्लॉगर कैसे बनेंगे? मैं कुछ अलग करूँगा ब्लॉगिंग, बिना कैमरे के। अच्छा, क्या करेंगे हम? मुंह की जगह कुछ और दिखाएंगे? मुंह की जगह कुछ और दिखाने का ठेका और लोगों ने ले रखा है। है? मुंह नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? मैं जेन्युइन नेचुरल ब्लॉगिंग करूंगा, जिसमें कम फिल्टर हो, कम झूठ हो, ग्लैमराइज नहीं होंगी चीज़ें, जेन्युइन होंगी, ऑथेंटिकेशन होगा। और यूट्यूब की मनी के अलावा और भी इंसान अच्छी लाइफ जी सकता है, दाल रोटी खा सकता है। अच्छा, ये ऐसे 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 करने से सीरियस लगता है।
ऐसे करने से इंसान सीरियस लगता है, ब्रॉडकास्ट नहीं देखते हो? अच्छा ऐसा सीधा सीधा बोलता हूँ तो मजा नहीं आता बोलने, जब तक ऐसे ऐसे करके ना करो तो मजा नहीं आता मुझे। तो बहुत मेहनत कश और बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, अगर मुझे पानी भी पीना होता है, मेरी बॉटल भी खत्म हो जाती है ना, तो मैं खुद से पानी पीता हूँ, ऐसे ऐसे दबा के बटन, ठीक है, कोई ना कोई आके पानी दे देता है। ठीक है कोई मतलब था इस बात का? नहीं पानी, अजय भाई पानी ला दो इसमें। ये आए हैं सर, ये पानी लेके आए हैं, लेके जाएंगे। ये यहाँ के जो है सेकंड एम्प्लॉई है, जो कि बहुत हायर लेवल पे है। और तुम थर्ड एम्प्लॉई हो जो कि उससे भी डाउन लेवल पे हो। मैं थर्ड एम्प्लॉई हूँ जो कि थर्ड एम्प्लॉई हूँ, मतलब बता नहीं सकते, बताने में शर्म लग रही है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू ऊपर से या नीचे से, कहाँ से बताए? ये नीचे से सबसे ऊपर लेवल पे आते हैं। तो चले गए, थोड़ा काम कर लेते हैं, आज बहुत टाइम पास हो गया, पूरा दिन निकल गया, ऐसे हम लोगों का दिन ऐसे निकलता है, हम लोग टाइम पास करते रहते हैं। आप लोग अपने काम पर फोकस करिए और कोशिश करिए कुछ ना कुछ करने की। फिलहाल मैं ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, 10-20 साल में बन गया, नहीं बन गया तो नौकरी तो है मेरे पास, थोड़ी बहुत ज़मीन भी है।